पहले हम सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं उस सूरत में जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर जो है वो हाईएस्ट आ जाती है, कोई जनरल वैल्यू एन आ जाती है, पॉजिटिव इंटीजर। और ये किसका टॉपिक है? चैप्टर 4 कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का। अच्छा, तो अब इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं कि हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मौजूद होती है, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, इसके पावर में एक टू ऐड और टू सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहला काम आपने ये भी करना है कि इसको आपने आई के इक्वल कंसीडर कर लेना है, ठीक। अब फिर आपने इसकी पावर में टू ऐड और टू सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। और n माइनस टू कोसिकेंट n माइनस टू की वैल्यू पहले रखें और कोसिकेंट स्केयर बाद में रखें। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास कोसिकेंट स्केयर x की इंटीग्रेशन मौजूद होती है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट इट सेल्फ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कोसिकेंट स्केयर x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट x, फिर माइनस माइनस का किसका फार्मूले का माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कोसेकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या बनेगा? पावर में से एक कम तो एन माइनस थ्री, और फिर बेस का अगेन डेरिवेटिव। बेस क्या थी आपके पास? कोसेकेंड एक्स, और कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। अब ये आप देखें कि आपके पास कितनी वैल्यूज बन चुकी हैं कोसेकेंड की। कोसेकेंड की वैल्यू आपके पास एक ये है और n माइनस थ्री में ये है, तो एक इसमें पावर ऐड हो जाएगी n माइनस थ्री, अगेन क्या बन जाएगा n माइनस टू। आपके पास कांस्टेंट क्या है? n माइनस टू है, वो आप बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन के साइन से, और ये इसकी पावर n माइनस थ्री में ऐड हो जाएगी, तो कोसेकेंट n माइनस टू ऑफ x और कॉट कितने दफ़े हैं? टू टाइम्स हैं, तो आपके पास कॉट स्केयर x हो जाएगी। और फिर हम ये जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्केयर x किसके इक्वल होता है? कोसेकेंट स्केयर x के, ठीक। उसके बाद कॉट स्केयर एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? कोसेकेंट स्केयर एक्स माइनस वन। ये वैल्यू आप पुट करेंगे, इसको आप सॉल्व करें, तो आपके पास एक ऐसी टर्म आ जाएगी जो अगेन आई के इक्वल होगी। तो आप उसको आई के अगेन सब्स्टिट्यूट कर दें, उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, उसके कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर लें यानी कोफिशेंट्स को सॉल्व कर लें, तो आपके पास ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लें और आई की वैल्यू दोबारा पुट कर लें, यानी आई क्या था हमारे पास? कोसेकेंट एन एक्स डी ऑफ एक्स। तो अब आपने इसका एक रिडक्शन फार्मूला निकाल लिया।